Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the essay writing. Whenever it comes to the essay writing thing, everyone knows that it is the most fatal thing in CSS. और हर साल ये कोई बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसकी ये सब्जेक्ट जान निकाल लेता है. आज हम इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेरी अपनी नाकामियों का निचोड़ भी कह सकते हैं, मेरे अपने तजुर्बात का, मेरे उसके बाद स्टूडेंट्स जिनको ऐसे की ट्रेनिंग दी उनकी कामयाबी और उनकी जिनकी नाकामी हुई उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आई हैं वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा. और कोशिश ये करेंगे कि एंड पे हमें कुछ टाइम मिल जाए तो हम ज़रा ऐसे राइटिंग पे कुछ थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल हो जाए, तो वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पे. लेकिन आज अगर ये भी डिस्कस हो जाता है कि वाई देर इज अ लॉट ऑफ फेलियर इन ऐसे राइटिंग, तो वो भी काफ़ी होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द रीजन्स बिहाइंड फेलियर. पहले भी कुछ दोस्तों ने इस पर लेक्चर दिया, मैं इससे पहले कुछ बुक्स में भी चीज़ें देखता रहता हूँ कि कुछ सी एस एस के ऐसे में जो फेलियर की चीज़ें लोग मैंशन करते हैं वो क्या समझते हैं कि ऐसे क्यों ड्रॉप हो जाता है और उनकी क्या राय है ऐसे के ड्रॉप होने के हवाले से. तो जो चीज़ें बाद में मैंने कलेक्ट की या जो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मेरे सामने आईं वो किताबी चीज़ों से थोड़ी मुख्तलिफ मुझे नज़र आ रही थी, और किताबी चीज़ों से टोटली एक डिफरेंट मुझे उसमें एक नज़र आ रहा था कि एक एक वो कहानी होती है जो जगवर्ती होती है, हमारी पंजाबी में कहते हैं, जो हम जग से सुनते हैं, ज़माने से सुनते हैं, और एक वो कहानी होती है जो आप प्रैक्टिकली उसमें से गुजरते हैं और फिर आप लोगों को बयान करते हैं. तो टू मी ऐसे राइटिंग इज मोर अबाउट हार्डवर्थी, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल नाकामियों के बाद ये चीज़ें कुछ सामने आती हैं. तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि लोग ऐसे में क्यों फेल होते हैं और एग्जैक्टली क्यों फेल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको फेलियर की तरफ लेकर जाती हैं. उसके बाद हम सी एस एस के ऐसे का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इतने से टाइम में इतना ही मुमकिन है. और लेट्स सी के वो जो डिमांड आ रही है कि सर आप पढ़ा कब रहे हैं या ऑनलाइन कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उसका भी देखा जाएगा. लेकिन पहले जो अवेलेबल है ज़रा उससे स्टार्ट करते हैं. ऐसे राइटिंग में फेलियर की सबसे पहली वजह, द फर्स्ट थिंग इज एस्पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर टॉट ऐसे राइटिंग. यस दे फेल इन ऐसे बिकॉज दे आर टॉट ऐसे राइटिंग. इस फेलियर और नाकामी के बाद जो चीज़ें समझ में आईं कि हम भी ऐसे मतलब पढ़ते रहे, पढ़ाया जाता रहा. अब होता क्या है, ट्रेडिशनली स्टूडेंट्स जाते हैं टीचर के पास, एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो जाके टीचर के सामने बैठ जाता है, और वो जितना मतलब वहाँ पे रश होता है स्टूडेंट्स कुछ भी होते हैं कि चलो यार इट्स गुड टीचर. अब मसला ये है कि टीचर ने 3 घंटे का एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया और उस लेक्चर पे माशाल्लाह सभी लोग बहुत खुश हुए कि सर ने तो आज माशाल्लाह दिल जीत लिए और हलवा बना दिया ऐसे का. ऐसे इतना आसान है, आई मीन सब सोचा भी नहीं था, और ऐसे इतना डूएबल है एंड ऑल दैट व्हाट दे से आर व्हाट दे थिंक अबाउट इट. बट द फैक्ट इज ये ऐसे ही है कि जैसे आपको कोई ड्राइविंग पे लेक्चर दे कि ड्राइविंग करने के ये तरीकाकार हैं, ये मॉड्यूल्स हैं और ये मतलब स्टेप्स हैं एंड ऑल दैट, और उसके बाद आप ड्राइविंग के मौजू पे 2, 3, 4, 5, 6 किताबें पढ़ें, और उसके बाद फिर आप ड्राइविंग के मौजू पे 3, 4, 5 वीडियोस भी देखें, और उसके बाद फिर आपको कोई चाबी पकड़ा दे कि जनाब ये लें चाबी और ड्राइविंग स्टार्ट करें. ये बिल्कुल ऐसे ही है व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे राइटिंग टीचिंग. जिस तरह टीचिंग से ड्राइविंग नहीं आती, इस तरह टीचिंग से लेक्चर से ऐसे राइटिंग नहीं आती. दिस इज़ अ फैक्ट, कोई इसको माने ना माने वो उसकी अपनी मर्जी. ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऐसे राइटिंग.
यस इट इज़ अ स्किल, और स्किल पे लेक्चर और महज नसीहत से नहीं काम बनता। ये हमारे पर्सनल तजुर्बात हैं कि वो जो 3 घंटे क्लास में बैठे तो वो खुश हुए एट सम पॉइंट इन टाइम कि सर ने आज ऐसे राइटिंग बड़ी आसान बना दी। जब वो जू ही बाहर निकले तो किसी ने पूछा कि हाँ जी ऐसे राइटिंग का सर का लेक्चर, सर ने तो ये कमाल कर दिया, ऐसे राइटिंग को सर ने हलवा बना दिया। तो वो हलवा तुम भी बना लोगे भाई? नहीं, वो सर ही बना सकते हैं, मुझे तो वो लिखना नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पीपल आर टॉट ऐसे राइटिंग, पीपल आर नॉट ट्रेंड फॉर ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग पास करनी है तो मीट सम ट्रेनर, वो आपको ट्रेन कर देगा। ट्रेनर तो ऐसे ही है जैसे आपको कोई ड्राइविंग सिखा रहा है साथ वाली सीट पे बैठ के। वो आपकी हर गलती और आपकी हर जो मिस्टेक है वो आपको उधर ही डांट के या समझा के या जिस तरह से, तो उसको बताते जाएं कि दिस इज हाउ इट इज, इस तरह से करना है आपने, इस तरह से करना है। ये पहली चीज है, इस वजह से लोग फेल होते हैं ऐसे में। और अगर इसका ये हल है कि आप ट्रेनिंग लें ऐसे की, आपको किसी टीचर ने अगर बताया है ना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक क्या होती है या थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है या स्टैंस क्या होता है, तो उधर उसका काम है बनवाना, आपके सामने बनवा के चेक कर लेना ताकि आपको वो करना आ जाए, लिखना आ जाए। अदरवाइज आप घर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। बहुत लाडली मखलूक होती है ना एस्पायरेंट्स भी। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग टॉपिक, ये दूसरी बड़ी वजह है। लोग ऐसे में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक गलत टॉपिक चुन लेना। तो मतलब ये है कि आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, आपका काम इस्लामाबाद में है और आप मुल्तान की बस में बैठ जाएं, इट्स सिमिलर टू दैट। लोगों ने मतलब बहुत बहुत ही अजीब सी बेसिस बनाई होती हैं फॉर सेलेक्टिंग देयर टॉपिक्स। कहते हैं जी ये बड़ा यूनिक था, तो सर इस पे मैंने को बहुत पढ़ा हुआ था और इस पे सर ये हुआ हुआ था और इस पे ये हुआ हुआ था। नतीजा क्या निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं। एक टॉपिक उन्हें फॉर डिफरेंट रीजंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वो उस वजह से मतलब दे गो अराउंड कि वो टॉपिक वो अटेम्प्ट करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं। जी मैंने सर इसलिए ये टॉपिक ले लिया था कि मैं ज़रा डिफरेंट लिखना चाहता था। सर मैंने इसलिए लिया था कि मुझे इतने को इस पे नॉलेज आ रहा था उस दिन, इतनी कोई इन्फॉर्मेशन थी मेरे दिमाग में। सर मैं इसलिए लिख रहा था कि मैं इसलिए लिख के आया हूँ कि हार्डली कोई 2% ने किया होगा। ओ भाई तू वहाँ क्या स्टंट करने गया है, ऐसे लिखने गया है, जो आता था वही तू कर। तू किन चक्रों में पड़ गया है कि जो मुख्तलिफ था, जो यूनिक था, जो लगता था कि एग्जामिनर देखेगा और कहेगा कि बहुत इल्मी शख्सियत है। तो दिस इज़ नॉट द वे, आप टॉपिक वो वाला करते हैं जो आपको आता है। मैं अक्सर ये बताता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अपने कपड़े पहनते हैं, तो आप अपना ऐसे करते हैं जो आपको फिट इन। होप आप समझ गए होंगे। अगली चीज़, अगर कोई कहे कि बॉटम लाइन क्या है सी एस एस ऐसे फेलियर, तो बॉटम लाइन की जब हम बात करते हैं तो बॉटम लाइन है सी एस एस ऐसे में, मैं ये चीज लिखवाया करता हूं, अनलर्न ऑल अदर ऐसे राइटिंग पैटर्न्स, स्टाइल्स, स्ट्रक्चर्स, डिजाइन, स्केचेस, लेआउट्स, फिलोसफीज एंड रीलर्न सी एस एस ऐसे फुल स्टॉप। दिस इज द बॉटम लाइन। अगर कोई कहे कि सर आप एक लफ्ज में बता दें कि लोग क्यों फेल होते हैं, लोग इसलिए फेल होते हैं कि लोग अच्छे ऐसे राइटर होते हैं, लोग सी एस एस के ऐसे के अच्छे राइटर नहीं होते। लोग अच्छे राइटर होते हैं, अच्छे कॉलमिस्ट होते हैं, अच्छे रिसर्च राइटर होते हैं, लोग अच्छे अच्छे पता नहीं क्या क्या एनालिटिकल राइटर होते हैं, सी एस एस में आके वो फेल हो जाते हैं। बिकॉज दे ट्रीट सी एस एस ऐसे द वे दे ट्रीट रेस्ट ऑफ द थिंग्स फेलियर। करना क्या है? सी एस एस का ऐसे लिखना है, और वो तब लिखा जाएगा जब आप दूसरे ऐसे लिखने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं
वो आप भूलेंगे तभी आप लिख पाएंगे। अब ये सीएसएस का ऐसे क्या है? सीएसएस का ऐसे वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल है, वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जो हमारे बड़े बड़े असातिज़ा ने नस्लों को पढ़ाया और नस्लों ने वो फॉलो किया। रदियाबदी साहब का तरीक़ाकार था और उसी तरीक़ाकार को लह सर मोर मंजूर मिर्ज़ा साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इन असातिज़ा ने फॉलो किया। और रजी साहब अब भी उस तरीके के मुताबिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें द एसे बिगिंस विद अ वेरी कॉन्शियस सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, देन स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक और स्टैंस और थीसिस स्टेटमेंट इज गिवन, देन द कंप्लीट आउटलाइन इज डिजाइंड एंड रिटन, देन अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन इज रिटन, देन द बॉडी ऑफ एसे कम्स देयर एंड इट एंड्स अप विद कंक्लूजन। ये वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है और ये पर्टिकुलरली सीएसएस के ऐसे का है। मतलब मेरा अपना तजुर्बा जो ऐसे राइटिंग में था वो ये था कि जितने ये कॉम्पिटिटिव ऐसे होते थे एकेडेमिया के और ये प्राइज विनिंग वाले ऐसे वगैरह, तो मतलब वेन एवर आई वॉकड इन, अल्लाह ने मेहरबानी की, हमेशा आई रिमेन्ड विनर टिल द नेशनल अवार्ड। तो जब मैं वापस आता हूँ तो सीएसएस के ऐसे में तो मैं पहली फुर्सत में ही फेल हो जाता हूँ। तो वो जो सारा एक ऐसे ऐसे लिखने का वो तजुर्बा था, या एक वो कह लें कि एक बहुत बड़ा माइंड बना हुआ था कि मतलब आई विल बी डूइंग वंडर्स, ऐसा ना हो पाया क्योंकि मुझे वो अपनी सारी ऐसे राइटिंग की स्किल अनलर्न करनी पड़ी और सीएसएस के ऐसे की रीलर्न करनी पड़ी। यहाँ पे कुछ एम्बिग्विटीज हैं। लास्टली कुछ स्टूडेंट्स आए तो उनमें एक बहुत ही मतलब अच्छा लिखने वाली स्टूडेंट थी, तो मैंने कहा आपका अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने सीएसएस का ऐसे सीख लें। तो वो कहते हैं नहीं सर, मैं तो अखबार में भी लिखती हूँ तो नो प्रॉब्लम, मेरे लिए लिखना कोई इशू नहीं है। इसी तरह एक बंदा कहता है कि मैं रिसर्च आर्टिकल्स लिखता हूँ, मेरे तो मैं रिसर्च आर्टिकल्स आपके अखबार के लिखारी और आपके क्रिएटिव राइटिंग के लिखारी और ये सारे, उनको अपना सारा कुछ मोल्ड करना पड़ता है टूवर्ड्स सी एस एस ऐसे। वो अपनी चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर सकते। हज़ारों में से एक बंदा होता है जो कहता है मैंने ट्रेडिशनल स्टाइल तो फॉलो नहीं किया, मैं नॉन ट्रेडिशनल पे गया हूँ। तो भाई हम तो वो स्टंट नहीं कर रहे, हम तो ट्रेडिशनल स्टाइल पहले सीख और फिर ऑप्ट कर रहे हैं, फिर जाके कहीं काम बन रहा है, फिर ऐसे पास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। पीपल फेल इन सी एस एस ऐसे बिकॉज दे ट्रीट देयर ऐसे एज द वे दे ट्रीट अ क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। यस, लोग लेंथ ही पूरी नहीं करते। हमारा एक माइंड सेट बना होता है, हमने 11 पेपर्स देने हैं, 11 पेपर्स में हमने चार चार सवाल हल करने होते हैं, एक सवाल जो है वो 20 नंबर का है, उसकी लेंथ वेट स्टाइल डिजाइन इतना है। लोग वही वाला सांचा उठा के फिट कर देते हैं अपने सीएसएस ऐसे पे और उसका नतीजा जो निकलता है वो आपके सामने है। लोग उसकी लेंथ पूरी नहीं करते, लोग उसकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं आर्गूमेंटेशन की, जो उसकी लॉजिकल सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं करते लोग, उसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। अब एक पेपर की तो दुनिया ही कुछ और तरह की है ना। एक पेपर में आपने एक सवाल आपका अगर ख़राब हो गया तो आपने दूसरे सवाल को बहुत अच्छा करके पिछले की कंपनसेशन जो है वो बना लेनी है। उससे आगे आप बढ़ते हैं तो वो आप उसकी थोड़ी कंपनसेशन कर लेते हैं जो पिछला थोड़ा सा खराब हो गया, तो देयर इज ऑलवेज अ वे। लेकिन सीएसएस ऐसे में ऐसा नहीं है, आप एक सीएसएस के ऐसे को एज अ क्वेश्चन ट्रीट नहीं कर सकते। सीएसएस ऐसे को आपने एज एन ऐसे ही ट्रीट करना है इफ यू वांट टू पास इट। हमारे बड़े मोहतरम सीनियर डॉक्टर रिजवान साहब से तो वो कहते थे कि पेपर तो 11 होते हैं, इम्तिहान सिर्फ एक ही होता है और वो ऐसे होता है। उनकी बात बड़ी मतलब हमें माकूल लगती थी क्योंकि 4 सवालों में अगर एक में कमी रह गई है तो बाकी 3 से पूरी हो सकती है। लेकिन सीएसएस ऐसे तो आपने एक ही सिलेक्ट करना है और वो जो एक आपने सिलेक्ट करना है उसमें कोई भी कमी कोताही जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें मतलब उस एक सवाल में किसी किस्म की कोई कमी रह गई तो वो नुकसानदेह साबित होगी। गोइंग अहेड, लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि एक उस्ताद से हमने पूछा कि सर लोग ऐसे में क्यों फेल होते हैं, तो उस्ताद फरमाने लगे कि दो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग ऐसे में फेल हो जाते हैं। सर कौन कौन सी? कहते हैं यार एक वजह तो ये है कि लोग
प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं हैं। और दूसरी वजह यह है कि लोग लिखते नहीं हैं, मीन्स कि एक ही बात है, आप लिखते नहीं हो, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करते हो बिफोर अपियर इन एग्ज़ाम। बिफोर यू अपियर इन एग्ज़ाम यू डू नॉट प्रैक्टिस तो यू वॉन्ट पास। ये रीज़न है यार, लिखने से हमारी बहसियत कौम, एस्पायरेंट्स की कौम की बात कर रहा हूँ, हम लिखने से हमारी जान जाती है, हम कलम चलाना पसंद ही नहीं करते, हम कोई प्रैक्टिस ऐसे लिखते ही नहीं, हम कहते हैं कि हम जाके इम्तिहान में ही देखेंगे, और आगे से ऐसे भी कहता है कि मैं भी आपको इम्तिहान में ही देखूंगा। तो ये नुकसानदेह चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऐसे पास होगा। अगर आपने घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं की है, 1 2 3 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस पे ऐसे नहीं लिखे हैं, तो फिर यार आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ लोग इसको बहुत इजी ले रहे होते हैं, और दे एक्चुअली फॉल इन लव विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक ऑप्शनल्स, दे गो टू द ऑप्शनल्स ब्ला ब्ला एंड ब्ला, एंड दे कीप ऑन रीडिंग ऑल दोज ऑप्शनल। लेकिन यार जो स्क्रीनिंग है, जिसको हम CSS का ऐसे कहते हैं, जिसने फेल या पास का डिसाइड करना है, तो यार वो नहीं पढ़ रहे हो आप, और आप अपने ऑप्शनल्स पे जोर दिए जा रहे हो, अपना टाइम ऑप्शनल्स का उधर दे रहे हो। मीन्स आप एंटी टेस्ट पास नहीं करना चाहते, और आप जाके डायरेक्ट MBBS की क्लासेस लेना चाहते हैं। ये दिस इज नॉट फेयर, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। एक ऐसे लिखो, पूरे पूरे ऐसे लिख के, 2000 वर्ड्स के, 2500 वर्ड्स के ऐसे लिख के अपने टीचर्स को दिखाओ, आपकी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। आगे बढ़ते हैं जी। पीपल फेल इन ऐसे राइटिंग कब, ये बड़ा नाजुक सा लम्हा होता है, ये आपने गौर से सुनना और इसको जहन में रखना है, कि पीपल फेल इन ऐसे राइटिंग द मोमेंट उनका ऐसे एग्जामिनर के सामने गया, एग्जामिनर ने उसको पढ़ना शुरू किया, द मोमेंट वाइल रीडिंग द एग्जामिनर वाइल रीडिंग देयर ऐसे द एग्जामिनर पॉजेस एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड थिंक्स फॉर अ वाइल, और वो जो वाइल होता है वो बड़ा बुरा लम्हा होता है। आपकी लिखाई पढ़ के एग्जामिनर जब एक लम्हे के लिए सोचता है कि वट ही एंड शी वॉन्ट्स टू से फुल स्टॉप, वहां पे कैंडिडेट फेल हो जाता है। जब आपका लिखा हुआ क्लियर, कम्युनिकेटिव और इफेक्टिव नहीं है, तो देर यू फेल। आपने कुछ ऐसा लिखा जो आप ही माशा अल्लाह पढ़ और समझ सकते हैं, तो नहीं पास होंगे। वेरी सिंपल, आपका लिखा हुआ आपकी मौजूदगी नहीं मांगे, आप पास हो जाते हैं। आपका लिखा हुआ आपके बिहाफ पे ताड़ ताड़ जोर जोर की आवाज में वाजे साफ और पूरी क्लैरिटी के साथ बोले, आप पास हो जाते हैं। और जब आपका लिखा हुआ आपकी मौजूदगी और आपकी तरफ से दी गई एक्सप्लेनेशन चाहे, आप फेल हो जाते हैं। पीपल राइट एम्बिगुअस, पीपल राइट फॉर देमसेल्व्स, वट एवर दे राइट दैट डज नॉट स्पीक ऑन देयर बिहाफ, फेल हो जाते हैं यार। जब उनका लिखा हुआ उनकी मौजूदगी तलब करे तो फेल हो जाते हैं। लोगों का लिखा हुआ क्लियर नहीं होता, लोगों को बाज़ुकात अपना जो वर्ड यूज किया था उसके मीनिंग नहीं होते, क्या पता ऐसे ही लगा दिया, खूबसूरत लग रहा था, बस मैंने लिख दिया सर, वो बड़ा भारी सा वर्ड था। भारी इज नॉट रिक्वायर्ड, कैसा लिखें। तो वर आई रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स इज यार, ऐसा लिखो कि क्लैरिटी ऑफ योर माइंड मस्ट बी रिफ्लेक्टेड थ्रू अ क्लियर राइटिंग, अ क्लियर राइटिंग विदाउट एनी एम्बिग्युटी, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर राइटिंग। आप जहां से क्लियर हो और फिर आप लिख रहे हो तो वो लिखा हुआ क्लियर हो, आप पास हो जाते हैं। इसमें फिर मजीद बहस नहीं होती, एग्जामिनर खुश होता है, फैसिलिटेट होता जाता है आपकी राइटिंग से। वट एवर यू राइट दैट शुड बी क्लियर इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव। उसके बाद अगली चीज विच लीड्स टू फेलियर इज, कुछ लोग पूछते हैं, मैं इस तरह से अपनी क्लास में भी उनको बताता हूँ कि हाँ भाई
क्या चीज़ से आप कहते सर ये स्पेलिंग मिस्टेक और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो व्हाट आई से इज के नहीं, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक की है अपने ऐसे पेपर के दौरान, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग टू द एग्जामिनर. कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक एट ऑल. प्लीज डू नॉट वरी, बिकॉज अ ग्रामेटिकल और अ स्पेलिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, दैट इज ब्लंडर. या दैट इज अ ब्लंडर. आपने 16 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की है, फिर आप सीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर जब आप ऐसे लिखने बैठे हैं तो आपने उधर ग्रामर की और स्पेलिंग की बोंगियां मारना शुरू कर दी हैं, तो ये तो किसी तौर भी अफोर्डेबल नहीं है. ये इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं कि जनाब इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, इससे कोई मसला तो नहीं होता. कोई मसला नहीं होता जी, आप घर आ जाते हैं, गोइंग अहेड. उसके बाद एक और बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन मैं अपने कुछ दोस्तों को भी देता था. वो डॉन अखबार उठाते थे और लंबे लंबे पैराग्राफ रट रहे होते थे. वो क्यों रट रहा है भाई? और सर मैं अंग्रेजी जरा अपनी भारी बना रहा हूँ, क्यों मैं सर ये डॉन की वकैब उधर यूज करूंगा तो मजे आ जाएंगे, एग्जामिनर बड़ा खुश होगा. इस चीज की कोई जरूरत नहीं है. आपने सही लिखना है, आपने सिंपल लिखना है, कम्युनिकेटिव लिखना है, तो आप कोई ऐसा भारा भार डाल के अपने ऊपर बहुत बड़ा भार डाल देंगे. वट आई यूज टू से इज जाती अंग्रेजी. यस, आप एक भारी, एक मुश्किल और एक विक्टोरियन किस्म की अंग्रेजी लेकर आते हैं. वो आप लेकर आ गए, आप लिखना शुरू हो गया, भाई दूसरे पेज पे तो वो खत्म हो जानी है जो आपने रट्टे बट्टे लगाए हुए हैं. तो जो ही दूसरे पेज पे वो खत्म हुई नहीं तो वहां से मेडन शेखुपुरा अंग्रेजी शुरू होनी, तो बस फौरन डिटेक्ट हो जाना है. तो क्या करें? और भाई डे वन से अपने कपड़े पहन के जाएं, अपनी अंग्रेजी में लिखें. जो ही पता चला कि आपने दूसरे का उधार का कोट उतारा है और अपना कोट आपका नीचे से निकला है, तो दैट बिकम्स फैटल, दैट लीड्स टू फेलियर. कभी भी मसनूई उधार की रटी हुई अंग्रेजी नहीं, इम्प्रेशन बनाने के लिए भारे भारे वकैब बिल्कुल भी नहीं. मुनासिब अल्फाज, अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ वोकैबुलरी, द बेस्ट टेक्निक. आसान लैंग्वेज, और ऐसी लैंग्वेज जिसमें मतलब आप खुद लिख रहे हो तो मुश्किल ना आए, और एग्जामिन अगर पढ़ रहा है तो उसको भी लगे कि इसने आसानी से लिखा है, इसने अपनी जान जोखों में डाल के नहीं लिखा. सच काइंड ऑफ इंग्लिश इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू पास. और इसके बाद पीपल फेल इन एसे राइटिंग बिकॉज दे मिस लॉजिकल सीक्वेंस व्हाइल पुटिंग द थिंग्स इन ऑर्डर. अपने आर्गुमेंट्स को, अपने ख्यालात को, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को लोग जब लिख रहे होते हैं, बड़े अच्छे, मतलब लास्टली कुछ स्टूडेंट्स से इत्तेफाक हुआ मिलने का, बड़ी बेहतरीन अंग्रेजी लिख रहे थे, नॉलेज बैंक भी ठीक था, लिखने में एक्सप्रेशन में भी कोई मसला नहीं था, तो फिर उनकी तशखीस करना थोड़ा कहीं कहीं मुश्किल लग रहा था कि यार इसने मतलब कहाँ गलती की होगी. तो फिर एक दो चीजें उससे जो सामने आई वो ये आई कि इसने लॉजिकल सीक्वेंस मिस की है. यस, चीज़ों का असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है या कोई इंपॉर्टेंस वाइज ऑर्डर है या हिस्टोरिकल ऑर्डर है, वो मिस करते हैं लोग फेल हो जाते हैं. इफ यू आर नॉट पुटिंग थिंग्स इन लॉजिकल ऑर्डर और लॉजिकल फ्रेम तो आप फेल हो जाते हैं. इंसानी जिस्म जो है ये लॉजिकली डिजाइंड है, पहले सर आता है, फिर गर्दन आती है, और फिर आपके शोल्डर्स आते हैं, एंड देन चेस्ट एंड सो ऑन. एग्जामिनर का एक बड़ा वसीह तजुर्बा होता है पेपर चेक करने का. तो बहुत अच्छे अच्छे लोग उस वक्त फेल हो जाते हैं जब वो लॉजिकली सबसे पहले सर रखते हैं और सर के बाद गर्दन की जगह एक खूबसूरत सा गोल सा गोडा बना देते हैं, तो वो बिल्कुल सामने आके लगता है, वो नजर आ जाता है कि ये गर्दन की जगह कोई और चीज बना दी गई है, तो वो फौरन डिटेक्ट हो जाती है. दैट दैट लीड्स टू फेलियर. वो फेल कर देता है क्योंकि एग्जामिनर एक ही चीज तलाश कर रहा है आपके पेपर में, और वो गलती है. दैट्स इट. उसे कोई खूबियों की तलाश नहीं होती, उसे गलती की तलाश है कि इसने गलती कहाँ पे की है, गलती की नहीं तो उसने आपको मेजोरिटी का हिस्सा बना देना है. मेजोरिटी विच इज लाइक 95% और 96%. गोइंग अहेड,
Not proving one's statement of the topic leads to failure. Yes, another reason which leads to failure is कि लोग ऐसे स्टार्ट किया, अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक दी और फिर लिखना शुरू हो गए. वक्त, ज़रूरत और ऐसे का तकाजा ये होता है कि वट यू हैव टेकन एज अ स्टैंस यू नीड टू प्रूव इट वन वे और द अदर. अगर आपने प्रूव नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे. एग्जामिनर यही एक चीज़ देख रहा होता है पूरे पेपर में कि इसने शुरू में लिखा है कि ये बात इस तरह से है, स्टेटमेंट अपनी दी है, और एक सफ़े पे जाके सर्टनली उसने उस बात को क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया. देयर कम्स फेलियर. आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, इस पर आपने बहुत मोहतात रहना है. आपकी स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक प्रूवन होनी चाहिए. अगर वो प्रूव्ड नहीं है तो दैट इज़ रियली फैटल फॉर यू. आपने स्टेटमेंट के बाद में लोग भर्ती डालने के लिए, नॉलेज बिला वजह उसमें घुसेड़ने के लिए कोई बहुत बड़ी बात कहीं से लेके आ जाते हैं कि जनाब ये बात बड़ी अहम थी, मैंने कहीं पढ़ी थी. पता चलता है कि वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी उनकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक से. देयर कम्स फेलियर. देन अगेन दिस इज एक तरीका मैं साथ ऐड करता होता हूँ कि ऐसे पास करने के लिए आपका ताल्लुक मेंटली, फिजिकली और प्रैक्टिकली फिरका चालीसिया से आपका ताल्लुक होना चाहिए. तो व्हाट दैट फिरका चालीसिया इज, दैट अपीयर्स बिट फनी. हम कुछ टीचर्स के पास पढ़ने जाते हैं और हमारे कुछ मतलब लोग जिनका स्पेशली सीएसएस के एसएस का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कहते हैं कि आप हमसे ऐसे पढ़ें तो आपके 60 नंबर आ जाएंगे, 70 नंबर आ जाएंगे. तो वो जो 70 नंबर वाली जीरो होती है वो बड़ी बेवफा होती है, वो मोस्टली दूसरी तरफ आ जाती है क्योंकि उसको उधर रहने की आदत नहीं होती. ऑलवेज फोकस फॉर ज़ीरो. यस, आपकी जो इंतहाई ख्वाहिश है वो 40 होनी चाहिए कि मैंने 40 से कम नहीं लेने, इससे ऊपर जो आ जाए वो बोनस है. अब रिसेंटली इसकी ट्रेनिंग करवाई थी असल शब्बीर की, तो हमने तो 40 की करवाई थी ट्रेनिंग कि इसके 40 से कम नहीं आ रहे, तो ही गॉट 65. ऊपर वाला हमारा कोई कमाल नहीं है. हम अगर कहीं क्रेडिट लेते हैं तो ये कि यार इसको हमने 40 से नीचे नहीं आने देना. डू नॉट एस्पायर अननेचुरली प्लीज, ऑलवेज एस्पायर. तो ये कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता सर ये क्या मतलब. मैं ये कहता होता हूँ कि एसे राइटिंग इज वेरी सेंसिटिव जॉब. एसे राइटिंग इज जस्ट लाइक, ये बड़ी ये मिसाल जरा काम करती है. एसे राइटिंग इज जस्ट लाइक स्टेइंग ऑन द पिच फॉर 3 आवर्स, स्कोरिंग 40 एंड रिमेनिंग नॉट आउट फुल स्टॉप. आपने 3 घंटे बैठ के ऐसे लिखना है लाइक 3 घंटे की बैटिंग है, स्कोर 40 बनाना है, नॉट आउट नहीं होना, कई नॉट आउट जाना है, आउट नहीं होना. कई ऐसी चीजें जो हैं वो मतलब लोग उसमें ऐड कर देते हैं कि वो नुकसानदेह होती हैं, 40 से कम स्कोर आ जाता है. कई ऐसी बॉल्स आ रही होती हैं जो कह रही होती हैं मुझे हिट करो मैं छक्का हो जाऊंगी, ऐसा नहीं करना. आपने अगर 40 बनाना है तो बहुत धीरे जाओ और बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत पुरसकून बैटिंग की ज़रूरत है. उसके बाद आपने अपना रफ वर्क, लोग नहीं करते, लोग डायरेक्ट ही ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, दैट लीड्स टू फेलियर. यस, अगर आपने अपना रफ वर्क नहीं किया और एक कॉन्शियस रफ वर्क नहीं किया तो फिर दैट एक्चुअली लीड्स योर फेलियर. पहले रफ वर्क कर लें. कुछ लोग शुरू में ऐसे छूटते ही ऐसे पे जंप लगा देते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, और वो पता चलता है कि जनाब वो बहुत तेजी से ऐसे लिख रहा है, उसने पहले 10-15 मिनट में 1-2 सफ़े निपटा लिए हैं, तो उसने बहुत बड़ी गलती की है. उसे पहले होमवर्क करना चाहिए था, चीज़ें बना लेनी चाहिए थी. कौन सी ऐसी जल्दी है और कौन से 4 सवाल हैं, 1 तो सवाल है तो उसको ज़रा तसल्ली से करने की ज़रूरत है. और अब बारी आती है कि CSS का जो ऐसे है उसका स्ट्रक्चर क्या है. CSS के ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक है. नंबर 2, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द थीसिस. और मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक और मेकिंग और डिजाइनिंग योर स्टैंस. नंबर 3, मेकिंग आउटलाइन. नंबर 4, राइटिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. 1 पेज या 1.5 पेज का जो पैराग्राफ होता है.
और नंबर फाइव बॉडी ऑफ द एसे और नंबर सिक्स कंक्लूजन। ये छः, जिस तरह एक हाथ की पांच उंगलियां हैं, इस तरह ये ऐसे की छह उंगलियां हैं, और एक भी मिस हो रही हो तो ऐसे डजंट वर्क। अब इन पांच बिल्डिंग ब्लॉक्स पे या इन पांच बॉडी पार्ट्स ऑफ ऐसे जो हैं, इन पे इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। और बात पढ़ाने के अंदाज़ में नहीं, सिखाने के अंदाज़ में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आपके सवाल आते रहेंगे तो मैं उनको मतलब एड्रेस करता जाऊंगा। आप सब लोगों के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अता करे, और आप 2018 की या 19 की जो भी अटेम्प्ट दें, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। आई ऑलवेज सी यू पीपल एज फ्यूचर ऑफिसर्स। जो लोग हमें मोटिवेट करते थे, हमें वो यही बात करते थे कि यू पीपल आर अवर फ्यूचर ऑफिसर्स, और हमने भी आज आपसे यही बात करनी है कि यू पीपल आर अवर फ्यूचर ऑफिसर्स। सो स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।